गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के स्थापित होने के बाद राम भक्तों में गजब का उत्साह है और दान काउंटर पर जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। बड़ी संख्या में भक्त दान कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला अपने गर्भगृह में पहुंच चुके हैं और अब आप देखिए ये दान काउंटर और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच गए हैं और जो उत्साह है वो हम जानेंगे। तो उत्साह किस तरह का है? बहुत उत्साह है। रामलला की आरती के लिए हमको शामिल होना है। 500 वर्षों के बाद आज फिर झोपड़ी में भगवान को वापिस नहीं आएंगे, तो ये आखिरी क्षण में हम भगवान को देखना चाहते हैं और उनके दर्शनों को कैद करके उनका आशीर्वाद लेके और फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में स्थापित करने के लिए वहां से आए हैं। ये जो पूरी आभा है अयोध्या में, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तमाम तरह की साज सज्जा की, उसको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत है। मैं अभी 2021 में भी आई थी और मैं तो सड़के पहचान नहीं पा रही हूँ। इतना अद्भुत है, भव्य है, जैसे बोलते हैं भव्य है, अद्भुत है। जो आशीर्वाद है उनको प्राप्त करने के लिए ये भक्त कतारबद्ध हो चुके हैं और हम आपको जो रास्ता जाता है राम मंदिर की ओर उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो द्वार है वो पूर्ण रूप से तैयार दिखेगा। आज मुख्यमंत्री योगी भी आने वाले हैं अयोध्या और आकर जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करेंगे, उनको अंतिम रूप देंगे। और ये आप देखिए राम जन्मभूमि पथ जिसे हम लोग कह रहे हैं वो किस तरह से सजा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दीवारों को, जो पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि ये दीवारें सजी सजी हैं, तो अब साज सज्जा के साथ ये कटआउट भी बन गया है। ये देखिए ये राम मंदिर का ये कटआउट, लोगों के आकर्षण का केंद्र। और पूरी अयोध्या में स्वच्छता अभियान भी जारी है, तो सुबह सवेरे स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है और सजा हुआ ये पूरा क्षेत्र अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आगे तस्वीरें और भी खास है और राम जन्मभूमि पथ पर तैयारियां कैसी है उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आगे तस्वीरें और भी खास है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला